हेलो दोस्त, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल। और जो मेरे पीछे आपको किताबें दिख रही है, इस किताबों को आप लोगों ने गजब रिस्पांस दिया भाइयों, हाथ जोड़ के आप लोग का थैंक यू है। मेरी बहुत सारी किताब आप तक पहुंची है और आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि हम लोग 12th पे खत्म नहीं हो रहे हैं। इस चैनल को हम थोड़ा सा आगे लेके जा रहे हैं और ये चैनल आपको अगले साल बीकॉम की भी सारे कोर्सेस पढ़ाने वाली है। साथ ही में हम लोग अपना खुद का एक ऐप लॉन्च भी करने वाले हैं। इस ऐप के अंदर आपको ये सारा कॉन्टेंट जो फ्री वाला है वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ में आपको कुछ डिटेल्ड वीडियोस, साथ में आपको कुछ डिटेल्ड पीडीएफ, आपको सारी किताबें, वो सब भी हमारे ऐप पे बहुत जल्द मिलने वाली है। मैं बहुत जल्द आपके सामने उस ऐप को स्टार्ट करवाऊंगा जिससे और हमारी लर्निंग आप तक पहुंचेगी। और मैं आपसे वादा करता हूं, अभी जो किताबें मैं आपको भिजवा रहा हूं आप तक मिलती रहेगी जब तक कि हमारी अभी तक पीडीएफ अवेलेबल नहीं हो रहा है। हम आपके घर तक आपको हार्ड कॉपी पहुंचाएंगे। इसके जितनी मिनिमम रेट में रख सकता हूं मैंने उतनी मिनिमम रेट रखी है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपकी एक्सपेंसिव है या आप इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे, कोई टेंशन नहीं है भैया। कहां प्रॉब्लम है, आपके सामने स्क्रीन पे तो रहते ही है, आप अपने घर पे बैठ के नोट्स बना लीजिए। अगर आपको लग रहा है वो भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है, टेक्स्ट बुक पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप चाहते हैं कि ये किताबें, दोनों किताबें आपके घर तक पहुंचे, तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, शेपर्स एडुकेशन पे करिए, मोहित सर पे करिए, मोहित सर में आर डबल लगा दीजिए, MOHIT SIRR, दैट इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। आप वहां पे भी आके मुझसे रिक्वेस्ट कर सकती है, किताबें मैं आपके घर तक आपको पहुंचा दूंगा। अभी तक हमारे पास OC और इकोनॉमिक्स की बुक रेडी थी, इस साल हम लोग स्टैटिस्टिक्स की किताब भी रेडी कर रहे हैं, अकाउंट्स की भी नोट्स रेडी कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर हम आपके पास बहुत सारे बुक्स पहुंचा पाए। चलिए तो चालू करते हैं हमारे 5 मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में 2-3 चैप्टर्स देखे थे, इस वीडियो में हम बचे कुचे सारे चैप्टर्स देखेंगे। हमने आखिर में हमारा चैप्टर छोड़ा था, चैप्टर नंबर 7 पे हमने हमारा टॉपिक छोड़ा था लास्ट वीडियो में। आज हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 7 से जिसका नाम है पॉपुलेशन। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी सा चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर 5 मार्क के कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं, बट जैसे कि मैंने कहा था मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट इन आवर कंट्री। हम सब जानते हैं कि हमारा देश सबसे ज्यादा आबादी वाला देश माना जाता है। चाइना इंडिया में चलता ही रहता है भैया, कभी चाइना आगे कभी इंडिया आगे। बट अगर आज भी पर स्क्वायर फीट वाइज या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखो तो इंडिया नंबर 1 पे ही रहेगा। सो हमारे देश में क्यों इतनी हाई बर्थ रेट है, उसके 3 कारण है। सबसे पहला सोशल फैक्टर, दूसरा है इकोनॉमिक फैक्टर और तीसरा है अदर फैक्टर्स। ये 3 कारण है, एक एक कारण को आराम से समझेंगे। सोशल फैक्टर मतलब हमारा सामाजिक तरीका कुछ ऐसा है, हमारा समाज कुछ ऐसा है कि भैया आबादी गिरने नहीं दे रहा है। जैसे सबसे पहला यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैरिज, हमारे यहाँ पे शादी करना 100% जरूरी है। अगर कोई कभी शादी नहीं करता तो लोग क्या बोलते हैं, ओ हो इस लड़की की शादी नहीं है, लगता इसमें ही कोई कमी है। या कोई लड़की की शादी ना हो तो समाज वापस से उल्टी ही बात करेगा। हम कभी ये नहीं समझ सकते कि भैया वो अपनी मर्जी से शादी नहीं करा, उसकी मर्जी नो, क्योंकि हमारे यहाँ पे वैसी मर्जी वाले लोग होते ही नहीं है। तो हमारे यहाँ पे शादी करना 100% जरूरी है, यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैरिज है, हर आदमी शादी करता है। मैरिज बेसिकली एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। घर में जब छोटा बच्चा पैदा होता है तब से माँ बाप उसकी शादी के लिए पैसा बचाना चालू कर देते हैं भैया, दिस इज द रीजन यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैरिज। नेक्स्ट इज अर्ली मैरिज एंड विडो रीमैरिजेस, ये भी अच्छी बात है। पहली बात कि हमारे यहाँ पे शादियां बहुत जल्दी होती है। चलो सरकार ने 21 साल का प्रावधान लाया, फिर भी कितने सारे लोग 21-22 में शादी कर लेते हैं। कितने सारे जगहों पे भी आज भी 21 से पहले भी शादियां होती है। चलो सरकार की बुक में रजिस्टर आफ्टर 21 होती है, बट लोग शादियां करते हैं। साथ ही में कितने सारी जगहों पे विडो रीमैरिजेस भी अलाउड है, ये अच्छी बात है, खराब चीज नहीं है, समाज के लिए बढ़िया चीज है कि अगर कोई औरत विडो हो जाती है, कोई मर्द विडोवर हो जाता है, तो उन दोनों केसेस में उनको रीमैरिज करना अलाउ करता है। बट इन रीमैरिजेस केसेस के कारण या फिर इन अर्ली मैरिजेस केसेस के कारण जो रिप्रोडक्शन का समय होता है वो कपल को ज्यादा मिलता है, और उसके कारण हमारे देश में खूब सारी आबादी होती है। इसलिए कहीं ना कहीं अब आबादी को ध्यान में रखते हुए सरकार को इस पे कुछ प्रावधान लाना चाहिए। 21 साल को मेरे हिसाब से 23-24 साल तक ले जाना चाहिए कि ऑटोमेटिकली आबादी पे थोड़ा कंट्रोल हो सके। सो दिस इज द फर्स्ट सेकंड रीजन। नेक्स्ट इज आज भी हमारे देश में कुछ लोगों को ये तकलीफ है,
प्रेफरेंस फॉर अ मेल चाइल्ड, पीपल फील लाइक कि भैया लड़का होगा तो ही माँ बाप को स्वर्ग तक लेके जाएगा या लड़का होगा तो ही जन्नत नसीब होगी, ऐसा कुछ होता नहीं है। पढ़े लिखे लोग ये नहीं मानते, बट आज भी गांव में ऐसी कई सारी मान्यताएं होती है। इसलिए ऐसा परिवार जिसमें दो लड़कियां हो गई, तीसरी लड़की हो गई, तो भी कपल रुकेगा नहीं भैया, वो चाहेंगे हमें एक लड़का तो हो ही हो, और उस लड़के के लालच में 5-6-7 जनों का परिवार बन जाता है। सो दिस इज द रीजन कि आज भी हमारे देश में लड़कों को या प्रेफरेंस ऑफ मेल चाइल्ड खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट इज जॉइंट फैमिली सिस्टम, ये अच्छी बात है, ये मैं खुद प्रूव करता हूं आपको, ये मैं खुद मानता हूं कि एक जॉइंट परिवार में बच्चे कब बड़े होते पता ही नहीं चलता, तो आदमी को बच्चे पैदा करने में जोर नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको पता है भैया परिवार में खेल खेल के बड़ा हो जाएगा, चाचा ताऊ फूफा सब ध्यान रख के बच्चा अपने आप बड़ा हो जाता है, ना खर्चे की चिंता होती है, कमाई सबकी साथ में होती है, तो कोई कभी एक भाई ज्यादा कमा रहा है, कभी एक भाई कम कमा रहा है, परिवार पलता रहता है। तो ये ज्वाइंट फैमिली के कारण भी कपल्स को बच्चे पैदा करना और बच्चे संभालने में जोर नहीं पड़ता है, और उसके कारण भी हमारे देश में कंपैरेटिवली आबादी ज्यादा होती है। फॉरेन में लोगों को सोचना पड़ता है जब एक हस्बैंड वाइफ के एक बेबी बॉर्न होता है, अब वो सोचेंगे आज कौन ऑफिस छोड़ेगा, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, कल तुम ऑफिस मत जाना, उनको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। हमारे केस में ऐसा नहीं होता है, हम 10 बजे बैग लेके निकल जाते हैं, बच्चा घर पे खेल रहा है, दादा स्कूल छोड़ के आएगा, दादी खाना खिलाएगी, चाचा ये करेगा, चाची वो करेगी, अपने आप काम होता रहता है। दिस इज द रीजन कि हमारी कंट्री में हाई बर्थ रेट होता है भैया। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक फैक्टर, पहला रीजन लो लेवल ऑफ एडुकेशन, आज भी लोग पढ़े लिखे नहीं है, फुद्दू बातों पे विश्वास करते हैं, मेल होगा तो ही भैया लड़का चाहिए चाहिए वगैरह वगैरह, जल्दी शादियां कर लेते हैं, देन मेनी अदर रीजंस। तो ये लो लेवल ऑफ एडुकेशन के कारण भी बर्थ रेट बढ़ती है। लो इनकम लेवल, जिन लोगों के घर में कमाई कम है वो ऐसा मानते हैं कि अगर हमारे घर के अंदर बच्चे ज्यादा होंगे तो जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ज्यादा पैसा कमा के लाएंगे। इसको कहा जाता है मोर द मैरियर, मोर हैंड फेचेस मोर मनी, जितने हाथ होंगे उतना पैसा कमा के वो लेके आएंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। उनको खिलाना भी आपको है, अच्छी परवरिश देना आपको है, तो बहुत डिफिकल्ट जॉब होता है ये, बट ये भी है। सेकेंड वन लो लेवल ऑफ इनकम, तीसरा हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी, एक डर होता है, ये गाँव में नॉर्मली ज्यादा देखने मिलता है कि जब एक परिवार में दो बच्चे होते हैं वो कहेंगे कि बस अब हमें तीसरा नहीं करना है, तब लोग डरा देते हैं भैया क्या पता कल को दूसरे को कुछ हो जाए, तो एक तो रखो एक्स्ट्रा स्पेयर में रखो कि कल को दोनों में से एक बच्चे को कोई बीमारी लग जाए तो एक तीसरा आपके पास रहे। इस चक्कर में जेन्युइनली आई एम नॉट लाइंग, दिस इज द रीजन व्हाई पीपल गिव बर्थ टू द थर्ड चाइल्ड, उनको चाहिए दो ही, वो तीसरा बेचारा स्टेफनी होता है कि एक गाड़ी का टायर एक पंचर हो जाए दूसरा काम आ जाए, दैट इज द रीजन इसलिए लोग तीसरा बच्चा करते हैं। हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट हमारे देश में बहुत है, जिसके कारण कपल्स को उनके परिवार को डर लगता है कि शायद इस बच्चे को आगे जाके कोई बीमारी लग सकती है। सो दिस इज द रीजन। अब देखा जाए तो ये बहुत ही घटिया आंकड़ा है, वैसे आंकड़ा बहुत पुराना है, गुजरात बोर्ड की जय हो, आज भी हम 2011 के आंकड़े पढ़ रहे हैं, बट तो भी देखो 2011 में हमारे देश में 41 बच्चे, मतलब 1000 में से 41 बच्चों की डेथ हो जाती थी एक साल खत्म होने से पहले। सो ये बहुत ही शॉकिंग आंकड़ा, ये आंकड़ा फॉरेन नेशंस में एक दो होता है, बड़े बड़े डेवलप नेशंस के अंदर हम इसमें बहुत पीछे हैं। छोटे मोटे और रीजंस, हाई फर्टिलिटी रेट, जैसे कि मैंने कहा था शादियां जल्दी हो जाती है, तो जल्दी शादी होने से विमेन के पास एक फर्टिलिटी पीरियड ज्यादा रहता है, तो ज्यादा बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी रहती है, वो करते हैं। सेकेंड इज लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग इन्फॉर्मेशन, हमारी सरकार ने खूब मेहनत की तो भी आज तक सब घरों में या गांव में या लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं पाई है कि भैया स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली, छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो ज्यादा हो तो ठीक है, इन शॉर्ट फौज में दो या फेंक दो जो तुम्हारी इच्छा हो, इन शॉर्ट बेसिकली मजाक की बातें हैं, बट जेन्युइनली ये फैमिली प्लानिंग इन्फॉर्मेशन आज भी सरकार की हर जगह नहीं पहुंच पा रही है, जिसके कारण लोग आज भी बहुत सारे बच्चे पैदा कर रहे हैं, और जो कहीं ना कहीं समाज पे बर्डन बढ़ता है। नेक्स्ट वन, अब ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, सरकार को क्या स्टेप लेना चाहिए पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी पूछेंगे, ध्यान रखना अच्छे से याद कर लेना। क्या है भैया, मास एडुकेशन एंड अवेयरनेस, सरकार को क्या करना चाहिए भैया, लोगों के बीच में एडुकेशन पहुंचाओ, लोगों को पढ़ाओ लिखाओ, उनको अवेयर करवाओ, बहुत ज्यादा बच्चे अच्छे नहीं होते हैं, बच्चे भगवान की देन कहा जाता है बट बच्चे भगवान देता नहीं है, आप खुद करते हो, आपको ये मानना पड़ेगा कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन इज गुड फॉर द कंट्री एंड गुड फॉर द फैमिली एट अ होल, तो आपको कहीं ना कहीं एडुकेशन अवेयरनेस की जरूरत है। सेकेंड, फैमिली प्लानिंग और इफेक्टिव करिए, घर घर जाइए, गांव गांव जाइए, लोगों को समझाइए भैया लिमिटेड बच्चे अच्छे हैं, ज्यादा बच्चे करने में कोई समझदारी होती नहीं है। तीसरा, इंक्रीज द एज ऑफ मैरिज, जैसे कि मैंने कहा था सरकार ने 18 से 20 21 किया, मैं तो कहता हूं 24 करो भैया, 24 तक मैरिज एज हो जानी चाहिए, 24 से पहले शादी करना अलाउ नहीं करना चाहिए।
ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन कंट्रोल में आ जाएगी। एनकरेजमेंट एंड डिस्करेजमेंट, सरकार को कहीं ना कहीं कुछ एनकरेजमेंट करना चाहिए यार, ये तो गलत बात है। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो सरकार की बातों को समझ रहे हैं, देश के भले के लिए खाली दो ही बच्चे कर रहे हैं, उनको कुछ तो बेनिफिट दो। जो 5 कर रहे हैं, 7 कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, उनको कुछ तो लिमिटेशन लगाओ, उनके साथ कुछ तो गलत करो कि हमको लगे कि हम समझदार थे कि हमने दो ही किए हैं, राइट। तो सरकार को कहीं ना कहीं ये एक एनकरेजमेंट लाना चाहिए या कहीं ना कहीं डिस्करेजमेंट लाना चाहिए उन लोगों के लिए जो सरकार की बातें नहीं मान रहे और 2 से ज्यादा बच्चे कर रहे हैं। जैसे चाइना ने किसी जमाने में किया था कि 2 से ऊपर 3रा हो तो भैया फौज में भेज देना चुपचाप, वो बच्चा फिर देश की सेवा करेगा। ऑटोमेटिकली लोग समझदार हो गए, वहां पे हर कपल ने 2 से ज्यादा बच्चे पैदा ही करना बंद कर दिया। तो ऐसा कुछ हमारे देश में भी आना चाहिए। नेक्स्ट इज एक्सपैंडिंग मेडिकल सर्विसेज एंड इफेक्टिवनेस, सरकार को और मेडिकल सर्विसेज इंप्रूव करना चाहिए जिससे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम हो सके और लोगों के मन में वो डर ना हो कि भैया शायद हमारा बच्चा बीमार हो जाए और हमें शायद उसको खोना पड़ जाए बिकॉज ऑफ मेडिकल रीजंस। तो ये डर अगर हट जाएगा तो ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन कुछ हद तक कंट्रोल में आ जाएगी। चलिए इसके बाद में कॉजेज ऑफ लो डेथ रेट, ये भी इंपॉर्टेंट है बट ईजी, इतना कुछ बड़ा नहीं है, आप पढ़ लेंगे। इसके बाद में आता है अगला चैप्टर और ये है हमारा अगला चैप्टर है जिसका नाम है एग्रीकल्चर सेक्टर। ये चैप्टर मुझे बहुत ही इजी लगता है और इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है क्योंकि डेटा बहुत सारा आपको याद करना पड़ता है। पहला ये एग्रीकल्चरल पैटर्न के बारे में, आई डोंट थिंक दिस इज दैट इंपॉर्टेंट, आप लोग को स्कूल में कहा जाए तो पढ़ लो, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। सेकेंड इज डिस्कस द रीजन ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया बट इजी है। जैसे कि पहला कॉजेस हो जाता है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, दूसरा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर और तीसरा अदर फैक्टर। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स के अंदर आज भी वही पुराने वाले आते हैं, पहला लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। हमारे देश में आज भी जमींदारी सिस्टम, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम बहुत ही बेकार है जिसके कारण बेचारा गरीब फार्मर गरीबी से बाहर आ ही नहीं पाता है। सेकेंड एग्रीकल्चरल फाइनेंस, आज भी हमारे यहाँ पे पुअर किसानों को एग्रीकल्चर के लिए पैसा नहीं मिलता है, उनको अगर ट्रैक्टर्स खरीदना हो, सीड्स खरीदना हो, फर्टिलाइजर्स खरीदना हो, उनके पास अच्छे फाइनेंशियल फैसिलिटीज नहीं पहुंच पाती है, विच लीड्स टू पुअर एग्रीकल्चर। नेक्स्ट इज लैक ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, बेचारा गरीब किसान जानता ही नहीं कि मार्केटिंग कैसे करे, तो वो अपना प्रोडक्शन करके, वो प्रोड्यूस करके मिडल मैन को या ट्रेडर को बेच देता है और ट्रेडर उसको ले जाके मार्केट में बेचता है अच्छे दामों में, अच्छी मार्केटिंग करके। तो कहीं ना कहीं सरकार को एक अच्छा एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहिए जिससे किसान को डायरेक्टली उसका बेनिफिट मिले, ना कि किसी मिडल मैन को। एंड नेक्स्ट इज रूरल सोशल स्ट्रक्चर, आज भी गांव का सोशल स्ट्रक्चर बहुत ही पुराना है, बहुत ही घिसा पिटा है। गांव के सोशल स्ट्रक्चर्स में आज भी बहुत सारी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है और उस ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग के चक्कर में लोग उस पर्टिकुलर माहौल के बाहर नहीं निकल पाते हैं। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी कुछ है, कहीं ना कहीं हमारे गांव में आज भी किसानों के पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास HYV सीड्स नहीं है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स नहीं है, उनके पास में आज भी साइंटिफिक मेथड्स ऑफ इरिगेशन नहीं है जिनके कारण वो पीछे रह जाते हैं। और भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है जैसे कि पॉपुलेशन प्रेशर, अब गांव में एक किसान के 5 बेटे हैं, वो 5 बेटों के बीच में जमीन बढ़ जाती है, हर किसी के पास जमीन छोटी सी हो जाती है। अब ये लैंड फ्रेगमेंटेशन के कारण जमीनें बढ़ती जा रही है, सबके पास छोटी छोटी जमीनें बच रही है। अब इन छोटी से जमीन के लिए क्या तो ट्रैक्टर लाए, क्या तो साइंटिफिक मेथड यूज करे, जिसके कारण प्रोडक्शन गिरता जाता है। सो ये पॉपुलेशन प्रेशर कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं प्रॉपर प्लानिंग का प्रेशर, सरकार अच्छी प्लानिंग नहीं कर पा रही है जिससे कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को बेनिफिट मिल सके। सरकार की सारी योजनाओं का बेनिफिट पैसे वाले फार्मर्स खा जाते हैं, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स आज भी बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं, दिस इज अगेन अ लिमिटेशन। सो ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा भैया, साथ ही में इसको इंप्रूव कैसे किया जाए वो भी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ सकते हैं। इस चैप्टर में याद बहुत कुछ करना है बच्चा लोग क्योंकि डेटास बहुत रहते हैं, साथ ही में चैप्टर इंपॉर्टेंट है। बट इसमें भी जो मैंने कहा था, एक तो रीजंस कि क्यों एग्रीकल्चर पीछे और उसको सुधारने के मेजर्स, ये दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में एक आखिरी चैप्टर आता है जिसका नाम है इमर्जिंग इश्यूज ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्या क्या नए नए इश्यूज है। इसमें जो पहला आंसर है बहुत इंपॉर्टेंट है, द मेजर्स टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन। उससे पहले मैं 2 मिनट लूंगा आपको समझाने के लिए कि अर्बनाइजेशन क्या होता है। जब गांव से सारे के सारे लोग शहर में आते हैं, शहर की चकाचौंध को देख के या गांव की प्रॉब्लम से परेशान होकर शहरों में आते, उसे कहा जाता है अर्बनाइजेशन। बट जब इतने सारे गांव के लोग शहरों में आते हैं तो शहरों में प्रॉब्लम्स बढ़ती, क्योंकि ये शहर तैयार नहीं है इतने सारे लोगों को अपने यहाँ पे रखने के लिए। तो यहाँ पे स्लम्स बढ़ती है, झोपड़पट्टी बढ़ती है, बीमारियां बढ़ती है, एपिडेमिक्स बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं पे लेबर्स और ज्यादा गंदगी करते हैं, सैनिटेशन और खत्म होता जाता है क्योंकि सरकार इतने लोगों को अपने अंदर लेने के लिए तैयार नहीं है।
तो उससे होती है अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? सबसे पहले प्रॉब्लम्स आती है पॉलिसी रिलेटेड स्टेप्स, जैसे कि सरकार एक्सेसिव अर्बनाइजेशन को रोक नहीं पा रही है, इसलिए सरकार क्या करना चाहिए, सरकार को गांव को डेवलप करना चाहिए कि लोग ऑटोमेटिकली शहर आए नहीं, शहर की जरूरत ही क्या है अगर गांव में इतना अच्छा काम हो। मतलब मैं आपको 100% कहूंगा कि आज अगर मेरे पिताजी से कोई कहे कि आज हमारे गांव में अच्छी सी फैक्ट्री बन गई है जहां पे आपके सारे बच्चों को नौकरी मिल जाएगी, मेरे पिताजी आज बोरिया बिस्तर बांध के हमको गाँव ले जाए। हम शहर में क्यों है? क्योंकि यहीं पे हमको कमाई मिलती है। जिस दिन हमारे गांव में कमाई अवेलेबल हो जाए, कोई शहर आना नहीं चाहता, सब गांव में सुखी है। तो सरकार को कहीं ना कहीं कुछ स्टेप्स लेनी चाहिए, सरकार को गांव में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ानी चाहिए, सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना चाहिए जिससे आदमी शहर आए, काम करे, वापस रहे गांव में, परिवार गांव में रहे। गांव में स्कूल्स होने चाहिए, गांव में बैंकिंग सर्विसेज होनी चाहिए, गांव में इंटरनेट होना चाहिए कि परिवार को पूरे को गांव आने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इतना अच्छा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए। सरकार को एडुकेशन हेल्थ फैसिलिटीज को इंप्रूव करना चाहिए, साथ ही में स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज को और अच्छा डेवलपमेंट करना चाहिए जिससे कि जैसे कि मैंने कहा था गाँव से शहर आने की जरूरत ही ना पड़े। सरकार को और ये कोशिश करनी चाहिए कि गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करो, गाँव के अंदर सिस्टम्स डेवलप करो, और उसी के साथ आप चाहो तो अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्री एडुकेशन। भैया बच्चा जानता है इसके बारे में, अभी भी आपको अगर लर्न करना पड़े तो आपने प्रॉब्लम है भैया, आप ये मन से लिख सकते हो। रेलवेज के डेवलपमेंट के बारे में नोट, आई डोंट थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट। हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और आखिरी क्वेश्चन है आज के हमारे इस वीडियो का, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी कर सकता है, ये बहुत बार पूछा गया है। पहला इकोनॉमिक कॉजेस, दूसरा सोशल कॉजेस, तीसरा पॉलिटिकल कॉजेस और चौथा एनवायरमेंटल कॉजेस। ये चार कॉजेस के कारण एक आदमी को माइग्रेट करना पड़ता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आना पड़ता है। इकोनॉमिक कॉजेस मतलब भैया नौकरी पैसा कमाने के लिए तो आदमी को शहर से गांव में आना पड़ता है। सोशल कॉजेस मतलब भैया शादी हो जाती है तो जब कभी भी लड़की की शादी होती है उसको पति के पीछे पीछे जाना पड़ता है भैया, और साथ ही में जब एक लड़के की शादी हो जाती है उसको परिवार को पालने के लिए शहर में आना पड़ता है, पैसा कमाने के लिए शहर में आना पड़ता है, बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए शहर में आना पड़ता है, अच्छे कॉलेज अच्छे हॉस्टल्स के लिए शहर में आना पड़ता है। तो दीज आर सोशल कॉजेज। तीसरा पॉलिटिकल रीजंस, कभी कभार कहीं पे दंगे फसाद हो रहे हैं, कहीं पे वॉर लाइक सिचुएशन है, या वहां पे उस परिवार या उस समुदाय के लोगों को रहने का अधिकार नहीं बचता है, उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ती है, जैसे कश्मीर से कश्मीरी पंडितों ने अपनी जगह छोड़ी है, दिस इज वन ऑफ द रीजन, क्योंकि वहां पे उनको रहने नहीं दिया गया, वो लोग यहाँ पे आ गए, दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसके कारण पॉलिटिकल रीजन हम कह सकते हैं जिसके कारण लोगों को माइग्रेट करना पड़ सकता है। एंड द लास्ट इज नेचुरल कलामिटीज, बहुत बार हमारे यहाँ वहां पे कोई नेचुरल कलामिटी है, जापान जैसी जगहों पे बहुत बार होता है, एक वॉल्केनो इरप्ट हो गया, जैसे वॉल्केनो इरप्ट हो गया वहां के आसपास के सारे लोगों को अपना शहर अपना घर छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट होना ही पड़ता है। सो दीज आर द रीजंस। तो इसी के साथ हमारे 5 मार्क के आंसर्स खत्म हुए और आपको बहुत बहुत धन्यवाद वापस से, हमारी दोनों नोट्स की किताबों का आपने खूब प्यार दिया, हम आपसे वादा करते हैं ऐसे ही आपके लिए जी जान से मेहनत करते रहेंगे, जितना समय मुझे मिलेगा उतना समय मैं आऊंगा यहाँ आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा और आपको खूब खूब ज्ञान देने की कोशिश करूंगा। तो ऐसे प्यार बरसाते रहिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।